नमस्कार समाचार क्यारी से प्रिया शर्मा। सुबह की 10 बड़ी खबरों के साथ आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा में आज जारी होगी विधानसभा चुनाव की अधिसूचना। 4 अक्टूबर नामांकन का आखिरी दिन। जिलाधीश एवं उपायुक्त संजय जून ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है। कोई भी प्रिंटिंग प्रेस संचालक बिना शपथ पत्र के चुनाव से संबंधित प्रचार सामग्री नहीं छाप सकता है। इसके लिए उसे संबंधित उम्मीदवार से एक शपथ पत्र लेना है जिस पर प्रचार सामग्री छपवाने वाले के हस्ताक्षर होंगे। एनआरसी पर दिए बयान के बाद सीएम केजरीवाल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन। दरअसल केजरीवाल ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा था कि अगर राष्ट्रीय राजधानी में एनआरसी लागू हुआ तो सबसे पहले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को शहर छोड़ना होगा। हरियाणा कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सिद्धू का नाम। पंजाब में किनारे किए गए नवजोत। पंजाब की राजनीति में हाशिए पर खड़े पूर्व क्रिकेटर एवं बिजली मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के जमले हरियाणा में सुनाई देंगे। क्या बेटी आरती को टिकट दिला पाएंगे राव इंद्रजीत। राव इंद्रजीत सिंह का दक्षिण हरियाणा में पूरा वर्चस्व रहा है और इसी वर्चस्व को कायम रखने के लिए बेटी को टिकट दिलाना राव के लिए वर्चस्व का सवाल भी बना हुआ है। चुनाव आयोग का अहम फैसला। जो एनआरसी लिस्ट से बाहर है वो भी डाल सकेंगे वोट। चुनाव आयोग के अनुसार नागरिक ट्रिब्यूनल का निर्माण आने वाले तक वोटर लिस्ट में उपस्थित सभी मतदाताओं को वोट डालने का अधिकार होगा। दिल्ली में डटे हरियाणा के नेता। 12 किलोमीटर में चल रही 90 सीटों की सियासत। हरियाणा की सियासत राजीव चौक और इंडिया गेट के चारों ओर 12 किलोमीटर के दायरे में चल रही है। जो नेता चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं वो अपनी अपनी पार्टी के मुख्यालय पर ही डटे हुए हैं। 2 अक्टूबर से पॉलीथीन यूज की तो 5 साल कैद 1,00,000 जुर्माना। चंडीगढ़ में सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन को प्रशासन की अप्रूवल। नोटिफिकेशन 2 अक्टूबर से पहले जारी करेगा चंडीगढ़ प्रशासन। गांधी जयंती पर सोनिया दिल्ली में, प्रियंका यूपी में और राहुल महाराष्ट्र में निकालेंगे पदयात्रा। कांग्रेस ने कहा कि महात्मा गांधी की विचारधारा को मजबूत करने के लिए ये पदयात्राएं निकलेंगी। पिता नहीं भर पा रहा था बेटी की स्कूल फीस, गला दबाकर मासूम को मार डाला। यह घटना कुरुक्षेत्र जिले गांव दबखेड़ा में गुरुवार देर शाम हुई।